हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको 2.25 मीटर कपड़े पे हैवी सलवार बनाना बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सलवार को हम अलग तरीके से कटिंग करेंगे जिससे हमारा सलवार हैवी लगे। तो पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अगर आपका सूट मैचिंग का है तो आप बेल्ट कुर्ती वाली फैब्रिक में से भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सलवार के कपड़े से ही बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को अर्ज में फोल्ड किया है। तो सबसे पहले किनारे के कपड़े को काटकर बराबर कर लेंगे। बेल्ट की लेंथ जो है वो मैं 9 इंच पर ले रही हूँ। नीचे आधा से पौन इंच सिलाई में जाएगा और ऊपर की तरफ 2 इंच हमारा नेफा मोड़ में जाएगा। तो इस तरह से 9 इंच पर मार्क लगाने के बाद कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसी से हम सलवार की बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर दें, उसके बाद दोबारा से फोल्ड कर दें। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड किया है। फैब्रिक को मैंने लंबाई में फोल्ड किया है। तो ये बंद साइड है फैब्रिक की, ये बंद साइड है फैब्रिक की और ये खुली वाली साइड है। तो हम पार्ट्स की कटिंग बंद साइड की तरफ से करेंगे। सलवार की टोटल लेंथ 36.5 इंच की है, तो उसमें हमें 6 इंच माइनस करना है क्योंकि 6 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा। तो 6 इंच माइनस करने के बाद इसकी लंबाई हो जाएगी 30.5 इंच। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है क्योंकि 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो सलवार के पार्ट्स की लंबाई हम 31.5 इंच पर रखेंगे। इस तरह से 31.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। बॉटम की लंबाई है 6 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे यानी कि बॉटम की लंबाई हमें 7 इंच पर रखनी है। तो इस तरह से 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे सीधा सीधा। अब पार्ट्स के दूसरे साइड पर मार्क लगाना है, उसके लिए पार्ट्स की लेंथ जितनी है उसका आधा रखेंगे। तो हमारे पार्ट्स की लेंथ 31.5 इंच की थी, तो उस पर इस तरह से टेप को डबल करके आधा कर लेना है और निशान लगा लेना है और बॉटम के निशान से तिरछा मिला लेंगे। निशान लगाने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक फोल्ड जो कपड़ा था वो बंद था, तो इसको चारों पल्ले को पकड़कर इस तरह से बराबर काट लेंगे। अब यहाँ से तिरछा काट लेंगे, फिर उसके बाद बॉटम की तरफ से काट लेंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको भी सीधा इस तरह से कट कर लेंगे और कपड़े को बराबर कर लेंगे। यहाँ से कपड़ा बंद साइड था हमारा, इसको भी काट कर खोल लेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक को पार्ट्स के ऊपर 1/2 इंच चढ़ा कर रख लेंगे और इस पर मार्क लगाना है आसन के लिए। अब यहाँ से हमें आसन की लंबाई नापना है, तो आसन की लंबाई हमें 9 इंच पर रखना है। तो जहाँ से हमारा 9 इंच निकलता है वहाँ से इस तरह से मार्क लगा लेना है और टेप को रखकर इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से तिरछा मिला देंगे। अभी इसको काटना नहीं है क्योंकि पहले से काट देने से कपड़ा हमारा बड़ा छोटा हो जाता है। तो यहाँ से जॉइंट लगाने के बाद हम काटेंगे। अब सलवार के पार्ट्स में हम कलियाँ अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने 4 कलियाँ निकाली थी, तो एक सलवार के पार्ट्स पे 2 कलियाँ हम अटैच करेंगे। तो दोनों तरफ से कलियों को रखकर इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ से इस तरह से पलट लेना है और नाखून से प्रेस करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो सिले हुए फैब्रिक को सीधे हाथ की तरफ करते हुए इस तरह से कपड़े के ऊपर एक सिलाई और लगाना है। अब पार्ट्स के दूसरी साइड भी कली को इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे पार्ट्स पर भी 2 कलियों को लगाकर अटैच कर लेना है और सिलाई लगाने के बाद पलटकर इस तरह से एक बार और फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो दोनों पार्ट्स पर दोनों कलियों को जोड़कर इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। पार्ट्स पर कलियों को अटैच करने के बाद पार्ट्स के फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेना है और बिछाने के बाद
आसन की लंबाई नापेंगे हम, तो 9 इंच पर आसन की लंबाई रखना है और इस तरह से तिरछा लाइन खींच देंगे और नीचे की साइड थोड़ा सा गोलाई पे हमें मार्क लगाना है, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कलियों को पहले जोड़कर कपड़े को कट करने से कपड़ा हमारा बड़ा छोटा नहीं होता है और इस प्रकार कलियों को जॉइंट करने से हमारे पार्ट्स की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है और प्लेटें जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं। तो इस तरह तरीके से कट करने के बाद अब दोनों पार्ट्स को इस तरह से रख लेना है और दोनों आसनों को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो चलिए दोनों आसनों को जॉइंट कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों आसनों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम प्लेटें डालेंगे। तो आसन की तरफ से हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए सामने की तरफ हमें प्लेट डालना है। 2-2 इंच की प्लेटें डालेंगे हम और इस तरह से प्लेट बनाते जाएंगे। इसे चुन्नट भी कहते हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह सामने की तरफ प्लेट डालेंगे। इधर भी हम 2-2 इंच की प्लेटें डालेंगे। तो एक के ऊपर एक इस तरह से चढ़ाते हुए हमें प्लेट डालना है। अब प्लेट डालने के बाद पीछे की साइड वाली जो आसन है उस पर भी हम एक एक प्लेट डालेंगे। तो दोनों तरफ से इस तरह से एक एक प्लेट डाल देना है। तो अब सलवार पर प्लेटें हमारी लग चुकी है। तो अब हम सलवार की बेल्ट बनाएंगे। तो सलवार की बेल्ट की लंबाई 9 इंच पर है और बेल्ट की चौड़ाई मैंने 20 इंच रखी है, जो कि सिलने के बाद 19.5 इंच पर आ जाएगी। तो इस तरह से नीचे से हमें मार्क कर लेना है 0.5 इंच छोड़कर 6 इंच पर, तो क्योंकि सिल के यह 6 इंच पर आना चाहिए। तो इस तरह से मार्क लगाने के बाद वहाँ से हमें सिलाई लगाना है। 0.5 इंच का दबाव देते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कपड़े को प्रेस कर लेंगे हाथ से और इस तरह से दोनों तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। अब नेफा मोड़ के लिए ऊपर की साइड से 0.5 इंच के कपड़े को हम हाथ से इस तरह से सभी तरफ से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इस तरह से मोड़ देंगे, 1 से 1.5 इंच इस तरह से मोड़ देंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा नाड़े के लिए इस तरह से सिलाई डालना है, इसको नेफा मोड़ कहते हैं। तो नेफा मोड़ की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा बेल्ट भी तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमें नाप करके देख लेना है, अगर थोड़ा बड़ा हो रहा है हमारा नीचे का पार्ट्स तो 1-2 चुन्नट और डाल देना है, और अगर छोटा हो रहा होगा तो सिलते समय हम एक एक चुन्नट खोल देंगे। बैक और फ्रंट आसन को हमें सेंटर पर कर लेना है और कुटका लगा लेना है। तो अब हम बेल्ट को सलवार के पार्ट्स के ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरह से सलवार को सीधा रखना है और बेल्ट को उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से 0.5 इंच का मार्जिन देते हुए हम बेल्ट और सलवार के पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट से सिलते हुए जब हम बैक आसन की तरफ आएंगे तो हमें ध्यान देना है कि पार्ट्स का कपड़ा हमारा बेल्ट से बड़ा तो नहीं हो रहा है। अगर बड़ा हो रहा है तो 1-2 चुन्नट और लगा देंगे और अगर छोटा हो रहा है तो 1-2 चुन्नट खोलकर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से पहले से चुन्नट डालने से यह बेल्ट और नीचे का पार्ट जो है वो परफेक्ट तरीके से जॉइंट होता है। अब बेल्ट के ऊपर एक सिलाई हम और लगाएंगे। तो जॉइंट वाले फैब्रिक को ऊपर की साइड रखकर एक सिलाई और लगा लेंगे।
अब हम सलवार के बॉटम पे पैंचा अटैच करेंगे। तो पैंचा अटैच करने के लिए इस तरह से लंबाई में एक बुकरम ले लेना है और इसकी डबल चौड़ाई में, इसके डबल से भी ज़्यादा हमें कपड़ा लेना है चौड़ाई में। बुकरम की चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच की है। तो इस तरह से कपड़ों के बीच में रखना है बुकरम को और दोनों तरफ से पलटकर बीचों बीच सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद सलवार के बॉटम के बीचों बीच मार्क कर लेंगे और बुकरम के कपड़े पर भी इस तरह से मार्क कर लेंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए बीच में इस तरह से रख लेंगे और 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बुकरम अटैच करने से बहुत ही सफाई से हमारा पैंचा तैयार होता है। यह बहुत ही सरल तरीका है सलवार पे पैंचा अटैच करने का। अब इसको पीछे की साइड पलटते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। अब बुकरम के दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब बुकरम पे 2 सिलाई लग चुकी है, अब इसके बीचों बीच भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों सिलाई के बीच में एक सिलाई और लगा लेंगे, दूसरी तरफ भी दोनों सिलाई के बीच में एक सिलाई और लगाना है। तो इस तरह से इस पर 5 सिलाई लगाना है। पैंचे पर आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लहर वाली डिज़ाइन बनाई है। तो पैंचा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर सलवार के बॉटम के लिए 6 इंच पर निशान लगाना है और आसन की तरफ भी हम नाप लेंगे। ये 14 या 14.5 इंच पर होना चाहिए आसन हमारा। और चौक से मार्क लगा लेंगे सभी तरफ से और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो बॉटम से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और आसन की तरफ आते हुए फिर से नीचे बॉटम की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2.25 मीटर कपड़े पे हमारा हैवी पटियाला सलवार बनकर तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।